खबर रायबरेली से आ रही है, जहां रायबरेली बसरावा थाना क्षेत्र के चक गांव में एक महिला ने अपनी प्रेमी व उसके दोस्त संग मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। मिली जानकारी के अनुसार बसरावा क्षेत्र के चक गांव में रहने वाले संतलाल की पत्नी का गांव के ही सुरेश के साथ सालों से अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर संतलाल व उसकी पत्नी में रोजाना झगड़ा हुआ करता था। उसी को लेकर कल शाम को भी दोनों में झगड़ा हुआ था। देर रात लगभग 2 बजे संतलाल की पत्नी ने शोर मचाकर घर वालों को जगाया और कहने लगी कि संतलाल को जहरीले सांप ने काट लिया है, जिससे संतलाल की मौत हो गई। जब परिजनों ने देखा तो संतलाल के गले में खरोंच के निशान थे, जिस पर परिजनों ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि रात में घर पे 2 लोग आए थे जो चेहरे पर कालिक पोते हुए थे, जिसके बाद परिजनों ने डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंची बछरावा पुलिस ने बच्चों से पूछताछ कर पत्नी को थाने ले गई। शव को PM के लिए भेज दिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष बछरावा रामेंद्र सिंह ने बताया कि दी गई तहरीर में सांप के काटने का जिक्र है व अफेयर का भी मामला सामने आ रहा है। दोनों ही पहलुओं पर जांच हो रही है व मृतक की पत्नी व प्रेमी को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बताते चले कि मृतक संतलाल के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़की सोनम, सोनी, मोनी व 1 लड़का शिव, जिनके सर से बाप का साया उठ गया। आप? हम भौजाई हैं, बड़ी बड़ी भौजी हो उनकी। हाँ। आप बताइए मामला कैसे क्या हुआ, आपको जानकारी मिला? हमका ये सब बवाल मचा है तो हम जाने पान है, ये काल्हू लड़ाई की ही नहीं है मियाँ बीबी, ये सुरेश के खातिर ये मॉडल भवा। अच्छा, सुरेश कौन है? अपना बिरादारी पास। अच्छा, गांव का है कोई? हाँ, यही तो फंसी रही है, ये हम इनते पूछे तो कहें हम रह सुरेश है के। उधर देखिए, 2 बजे क्या हुआ? 2 बजे चिल्ला रही थी कि घर में सांप घुसा सर, तो हम लोग जागे तो हम देखे अंदर, तो बिटिया का कहीं छोटी वाली के मोबाइल लेके भेजे तो बिटिया गई तो ये पलंग पर से खाले उतरी, ऊपर पाँव पकड़ के हलावत रही, संतलाल नहीं बोले तो ये रोवे चिल्ला लग, उसके बाद हाथ पकड़ी तो कहीं सरब काटी, तो हम पहुँचे हम देखे तो हम बाहर का भागें, बाहर चिल्लाएं तो बाहर के लोग सब अंदर गए, फिर संतलाल को बाहर हम का सब लोग देखे आ रहे हैं बाहर मैदान में डालो, सब लोग बाहर देखे आत रहे हैं बाहर पहुड़ाइन, तो सब लोग गांव राव के देखें तो सब लोग यह कहला कि के सरफ नहीं काटी, हुआ तो क्या हुआ, फिर खोल खोल के सब लोग देखे लग तो नखून गले में रहें, ये घोटी दबी रहे, तो सब लोग यह कहें कि इनका मर्डर हुआ, इनका मारा गया है गर्दन दबा। आपको क्या लगता है कि ये गला दबाकर मारा गया है? गला दबाकर? सही, हाथों से गला दबाकर मारा गया है। इनके चोट के निशान कहाँ कहाँ पर थे? इनके इधर नखून रहे 3-4 थे, इधर रहे ये घोटी दबी रही। अच्छा, इनकी पत्नी का क्या नाम है? शिवकुमारी। शिवकुमारी नाम है। शादी के कितने साल लमसम हो गए इनके? शादी 16-17 साल। 16-17। इनके कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं।